समझा नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, आकाश तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हुआ, बच्चा नॉर्मल हो गया। तुम्हारे जाने के बाद यहां से तुम्हारा कोई साथी आया था, दोस्त आया था, वो जो कुछ दवा के पैसे थे दे करके जमा किया काउंटर पर, तुम्हारी पत्नी को लिया और तुम्हारी झोपड़ी गया। और खुशी की ये बात है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर का चिराग पैदा किया है, यानी तुम्हारी पत्नी ने एक बेटे का जन्म दिया है। आकाश मैं खुशी से पागल हो गया और वहां से भागता अपनी झोपड़ी पहुंचने वाला था कि एक बूढ़ी माँ मिल गई। बूढ़ी माँ ने कहा, आकाश मैं पीछे मुड़कर देखा और दादी माँ के पास पहुंच गया। बूढ़ी माँ ने कहा, कहाँ जा रहा है आकाश? मैंने कहा, दादी माँ आज मैं बहुत खुश हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। दादी माँ ने कहा, हाँ ये जानती हूँ, ये जानती हूँ कि तू बहुत खुश है लेकिन तू बहुत पगला है। मैंने कहा, दादी माँ आप क्या कह रही हैं? अरे पागल। दादी माँ ने कहा, अरे पागल, तुझे ये मालूम नहीं है कि किसी भी औरत को जब बच्चा होता है और वो माँ बनती है तो उसकी दूसरी जिंदगी होती है। तेरी बीमा बहुत कमजोर हो गई है और तू खाली हाथ भागता हुआ जा रहा है खुशी में। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो सीधे बाजार चला जा, तुझे सामान का नाम मालूम नहीं है, किराने की दुकान पर चले जाना, सेठ को पैसा दे देना और कह देना, सेठ जी जो बच्चों बच्चा होने पर औरतों को सामग्री दी जाती है खाने के लिए वो हमको दे देंगे, तुम्हें दे देगा। मैं बूढ़ी माँ के कहने पर सेठ जी की दुकान पहुंचा, पैसा दिया, सेठ जी ने मुझे सामान बांध कर दे दिया। झोपड़ी पे आ गया हूँ, लगता है कि मेरी गीता बच्चे को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई, बड़ी खामोशी है। मैं आवाज लगाता हूँ, गीता हमारी झोपड़ी के बाहर आएगी। आज मैं अपने बच्चे को जी भर के देखूंगा, प्यार करूंगा कि मेरा मुन्ना कैसा है। तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। अरे आज तो तुमको खुश होना चाहिए, माँ बहनों को बुलाना चाहिए, अपने दरवाजे पर सोहर जीत होना चाहिए और तुम आज भी रो रही हो, तुम्हारी आदत पड़ गई रोने की। खैर छोड़, ये तो रही तुम्हारी आदत, लाओ बच्चे को जरा। मेरा मुन्ना सोला है, सो के उठेगा तो बाबू। जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है मुन्ने पर। मैं तो बाप हूँ, मैं तुम्हारी गोद से छीन लूंगा गीता।
अब मुझे सब मालूम हो गया, सब मुझे पता चल गया है। मेरी गरीबी से तंग आकर तो मुझे छोड़ कर जाना चाहिए। ये बच्चा बीच की दीवार बन रहा था, इसलिए तुमने इसे रास्ते से हटा दिया था। Yeah.